हेलो प्रोग्रामर्स, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से एक सिंगल ट्राई ब्लॉक के साथ हम मल्टीपल कैच ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। अब बात यह आती है कि एक सिंगल ट्राई के साथ में मल्टीपल कैच क्यों यूज़ करेंगे, किस तरह से उन्हें लिखा जाएगा और क्या कुछ उसमें रेस्ट्रिक्शन है। तो आइए ये सारे सवालों के जवाब देखते हैं इस वीडियो में। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली विजिबल रहे ये। फाइन। सो जो टॉपिक कवर कर रहे हैं, यूजिंग मल्टीपल कैच ब्लॉक्स विद ए सिंगल ट्राई। सो इफ ए ट्राई ब्लॉक कैन जनरेट डिफरेंट एक्सेप्शंस, देन वी कैन यूज मल्टीपल कैच ब्लॉक्स टू हैंडल ऑल ऑफ देम। ये पॉसिबल है कि हम जो ट्राई ब्लॉक यूज कर रहे हैं उसमें जो स्टेटमेंट है अलग अलग तरह के एक्सेप्शंस को जनरेट कर रहे हों, और हम ये चाहते हों कि अलग अलग तरह के एक्सेप्शन पे कुछ अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड होना चाहिए, कुछ अलग अलग मैसेजेस वगैरह आने चाहिए या कुछ कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक ट्राई के साथ में अलग अलग कैच ब्लॉक्स बना देते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले रहे हैं। मेन फंक्शन में हमने ट्राई ब्लॉक बनाया, यहाँ पर एक एरे हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके एक एलिमेंट पर हम कुछ डिवीज़न परफॉर्म करके असाइन कर रहे हैं। सो यहाँ पे कौन कौन से एक्सेप्शन जनरेट हो सकते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। सो गाइज, अगर हम एक्सेप्शंस की बात करें तो यहाँ पे हम एरे को सबसे पहले तो मेमोरी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो सकता है हमने साइज अगर नेगेटिव रख दिया तो एक एक्सेप्शन हमारा जनरेट हो सकता है, नेगेटिव एरे साइज एक्सेप्शन। इसी तरह से मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंडेक्स को यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अगर मैंने ऐसा कोई इंडेक्स यूज कर लिया जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो यहाँ पे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ सकता है, राइट। ऐसे ही यहाँ पे मैं डिवीजन परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ इंटीजर पर, अगर मैंने जीरो से डिवाइड कर दिया है तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ सकता है ना। तो इस तरह से पॉसिबल है कि एक ट्राई के अंदर मल्टीपल एक्सेप्शंस आ सकते हों। तो हम लोगों ने क्या किया, पहला कैच ब्लॉक बनाया जिसमें हमने अर्थमेटिक एक्सेप्शन का एक रेफरेंस बना दिया एंड मैसेज प्रिंट करा दिया है यहाँ पे। कुछ हो सकता है इस मैसेज की जगह रियल लाइफ में कोई प्रोडक्शन कोड होता हमारा। दूसरा जो कैच ब्लॉक बनाया उसमें एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन को हैंडल कर दिया, एंड लास्ट में जो कैच ब्लॉक बनाया उसमें एक्सेप्शन का एक हमने रेफरेंस जो है वो बना दिया है। यानी अगर अर्थमेटिक एक्सेप्शन या एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन के अलावा कोई भी एक्सेप्शन आता है तो ये लास्ट वाला कैच ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखिए मैंने जो आप लोगों को हायरार्की पढ़ाई थी कुछ पिछले वीडियो में, उसमें मैंने आपको ये क्लियरली बताया था। क्या बताया था मैंने आप लोगों को क्लियरली, कि जो हमारी ये एक्सेप्शन क्लास वाली हायरार्की है इसमें अगर आप देखोगे तो एक्सेप्शन क्लास की सारी चाइल्ड हैं बाकी। तो एक्सेप्शन एक ऐसा रेफरेंस हो जाता है हमारे पास जिसमें किसी भी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट रन टाइम पे स्टोर हो सकता है, ठीक है ना। इस वजह से हमने यहाँ पे एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो लास्ट में बना रखा है। सो गाइज, आइए इसका एक बार कोड जो है वो हम करके देख लेते हैं और टेस्ट कर लेते हैं अलग अलग टाइप के एक्सेप्शंस को। सो व्हाट आई डू इज, यहाँ राइट क्लिक किया मैंने एंड इसको सेव कर दिया मल्टीपल कैच डॉट जावा नाम से। नाउ यहाँ पे एक क्लास बना दी मैंने मल्टीपल कैच नाम से, इसमें मेन फंक्शन जनरेट किया हमने, ट्राई ब्लॉक बनाया हमने, इसमें हमने क्या किया एक एरे बनाया उसको मेमोरी देने की कोशिश करी कुछ, और यहाँ पे हमने कुछ वैल्यू असाइन करी, देन हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया A2 को। अब यहाँ मैंने अलग अलग कैच ब्लॉक्स बनाए, पहला मैंने बना दिया अर्थमेटिक एक्सेप्शन के लिए एंड इसमें मैंने प्रिंट करा दिया यू आर ट्राइंग टू डिवाइड बाय ज़ीरो। ठीक है, एक और मैंने कैच ब्लॉक बनाया
जिसमें एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का एक मैंने रेफरेंस डिक्लेयर कर दिया, यहाँ प्रिंट करवा दिया मैंने, आप गलत इंडेक्स यूज कर रहे हो। इनफैक्ट गलत नहीं, ये लिख देते हैं, आप ऐसा इंडेक्स यूज कर रहे हो जो है ही नहीं। फाइन, और एक और मैंने कैच ब्लॉक बना दिया जिसमें एक्सेप्शन क्लास का एक सिंपल रेफरेंस बना दिया एंड यहाँ प्रिंट करा दिया, कुछ अलग एक्सेप्शन आया है। ठीक है गाइज, और इन एक्सेप्शन हैंडलिंग ब्लॉक्स के बाहर मैंने प्रिंट करा दिया रेस्ट ऑफ द कोड। सो गाइज, यहां अगर हम देखें तो अभी क्या इस कोड में कोई एक्सेप्शन है? लेट्स सी। यहां ए को हमने मेमोरी दे दी 3 एलिमेंट्स की, ठीक है, 0 1 2, 3 इंडेक्सेस का एरे बन गया। देन हमने ए 2 पे यानी लास्ट एलिमेंट पे स्टोर करा दिया 10 डिवाइड बाई 2, यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है, ए 2 पे स्टोर हो जाएगा क्या हमारा 5। देन हमने ए 2 को प्रिंट करा दिया, कोई एक्सेप्शन नहीं है तो किसी भी कैच में नहीं जाएगा, बाहर आकर के सीधा प्रिंट करा देगा रेस्ट ऑफ द कोड, ये वाला स्टेटमेंट। तो एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा बस सेट कर दिया है। फाइन, ओपन कंटेनिंग फोल्डर, देन ये विंडो एक्सप्लोरर हमारा ओपन हुआ, एड्रेस बार में जाके टाइप किया CMD जावा सी मल्टीपल कैच एंड इसे करवा लेते हैं रन। फाइन, सो 5 एंड रेस्ट ऑफ द कोड, कोई एक्सेप्शन आया ही नहीं था अभी। नाउ एक्सेप्शन लेकर के आते हैं, यहां सपोज प्रिंट कराते टाइम मैंने A3 को यूज करने की कोशिश करी, तो क्या ये इंडेक्स एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आएगा, लाइन नंबर 11 पे जो कैच ब्लॉक है इसमें जाएगा एंड ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा, आप ऐसा इंडेक्स यूज कर रहे हो जो है ही नहीं। उसके बाद सीधा बाहर जाएगा लाइन नंबर 17 पे, प्रिंट करा देगा रेस्ट ऑफ द कोड। लेट्स सी, ये कंपाइल एंड दिस इज रन। फाइन गाइज, नाउ कुछ अलग एक्सेप्शन लाते हैं, लाइक यहाँ तो 2 ही है, मैंने यहाँ पे कर दिया 10 डिवाइड बाई 0, तो कौन सा एक्सेप्शन जनरेट होएगा? अर्थमेटिक एक्सेप्शन। तो लाइन नंबर 5 से सीधा कहाँ आ जाएगा? लाइन नंबर 8 पे प्रिंट कराएगा यू आर ट्राइंग टू डिवाइड बाई 0, देन उसके बाद में लाइन नंबर 17 पे जाएगा, रेस्ट ऑफ द कोड वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा। लेट सी, ये हमने कंपाइल कर लिया और ये हमने कर लिया रन। ठीक है गाइज, नाउ एक ऐसा एक्सेप्शन जनरेट करते हैं जो हैंडल नहीं किया हुआ है, मतलब जिसके लिए कोई स्पेसिफिक ब्लॉक हमने नहीं बना रखा है, लाइक ये तो मैंने यही रख दिया एंड यहाँ पे मैंने कर दिया साइज -3। सो इसी जगह पर एक्सेप्शन आ जाएगा बच्चों, सीधा कहाँ आएगा? पहले इस ब्लॉक को चेक करेगा क्या यहाँ पे नेगेटिव एरे साइज एक्सेप्शन है, नहीं है, तो अगले कैच पे जाएगा क्या यहाँ पे नेगेटिव एरे साइज एक्सेप्शन है, नहीं है, क्या यहाँ पे नेगेटिव एरे साइज एक्सेप्शन है, नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन का रेफरेंस बना हुआ है, ठीक है ना। तो एक्सेप्शन जो है, अभी मैंने डायग्राम में बताया था, सारे एक्सेप्शंस की पेरेंट क्लास है तो ये हैंडल कर लेगा और मैसेज प्रिंट हो जाएगा, एक सेकेंड, और मैसेज प्रिंट हो जाएगा ये वाला, कुछ अलग एक्सेप्शन आया है, और फिर उसके बाद में रेस्ट ऑफ द कोड वाला मैसेज आ जाएगा। लेट्स सी गाइस, फाइन, कुछ अलग एक्सेप्शन आया। अब सपोज अगर ये लास्ट वाला एक्सेप्शन वाला ब्लॉक नहीं होता, इसको मैं हटा देता हूं, तो जो एक्सेप्शन जनरेट हुआ नेगेटिव एरे साइज एक्सेप्शन, कोई भी स्पेसिफिक ब्लॉक उसके लिए नहीं है, ना ही एक्सेप्शन क्लास वाला कैच ब्लॉक है, तो हैंडल नहीं हो पाया ये एक्सेप्शन, ना जनरेट हुआ बट ये हैंडल पर्टिकुलर नहीं हो पाया एक्सेप्शन, तो लेसी लाइन नंबर 4 पे आएगा, प्रोग्राम अपना टर्मिनेट हो जाएगा, लाइन नंबर 15 अब एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि जो एक्सेप्शन यहाँ पे जनरेट हुआ है वो हैंडल्ड ही नहीं है। क्लियर स्क्रीन करता हूँ, कंपाइल किया एंड इसे रन करवाया, क्या बोल रहा है? एक्सेप्शन इन थ्रेड मैन, स्टैक ट्रेस प्रिंट हो गया एक्सेप्शन का, राइट। ठीक है, तो खाली ट्राई कैच लगा देने से मतलब नहीं है, जिस तरह का एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है उसे हैंडल किया हुआ होना जरूरी भी है। अगर इन केस आपको ये नहीं पता है कि किस तरह का एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है, तो इट्स ए सेफर साइड, एक सेफर साइड के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, एक ऐसा कैच ब्लॉक बना सकते हो जिसमें एक्सेप्शन क्लास का रेफरेंस बनाया हुआ हो। अब यहां पे एक छोटा सा हैक हो रहा है, वो मैं बता देता हूं इसके बाद।
एट ए टाइम ओनली वन एक्सेप्शन इज थ्रोन एंड ओनली वन कैच ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड, ये भी हमने देखा ही है। जैसे यहां पे तीन जगह पर एक्सेप्शन सपोज आ सकता है, लेकिन जहां पे पहला एक्सेप्शन आ गया ना, उसके आगे का कोड ट्राई के अंदर एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, सीधा कहां चला जाएगा, वो सीधा चला जाएगा कैच ब्लॉक पर। जैसे यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, इस जगह भी एक्सेप्शन है, इस जगह भी एक्सेप्शन है, इस जगह भी एक्सेप्शन है, लेकिन एट फर्स्ट यहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है, तो यहीं से सीधा कैच ब्लॉक पे चला जाएगा लास्ट वाले पे, और उसके बाद वाला जो कोड है यानी ये जो पर्टिकुलर कोड है, ये हमारा एग्जीक्यूट ट्राई वाला नहीं होगा। सेकेंड थिंग, ऑल कैच ब्लॉक मस्ट बी ऑर्डर्ड फ्रॉम मोस्ट स्पेसिफिक टू मोस्ट जनरल। फॉर एग्जाम्पल, कैच फॉर अर्थमेटिक एक्सेप्शन मस्ट कम बिफोर कैच फॉर एक्सेप्शन। ये आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे मोस्ट स्पेसिफिक कैच ब्लॉक्स हैं, मतलब एक स्पेसिफिक एक्सेप्शन के लिए जो कैच ब्लॉक है, वो जनरल कैच ब्लॉक से पहले आने चाहिए। अब स्पेसिफिक का मतलब और स्पेशल का, जनरल का मतलब क्या है, जैसे एक्सेप्शन यहाँ पे जो हमारी क्लास है, ये तो हमारी जनरल क्लास कहलाएगी बिल्कुल एक, ये वाली, जबकि आईओ एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ये सारी इसकी चाइल्ड हैं। यानी जो नीचे वाली हैं, ये तो कहलाती हैं अपनी स्पेसिफिक क्लासेस, स्पेसिफिक एक्सेप्शन, और ये हमारा है जनरलाइज एक्सेप्शन। तो जो स्पेसिफिक एक्सेप्शन है, वो हमेशा पहले हैंडल किए हुए होंगे कैच ब्लॉक में, और जनरलाइज लास्ट में किए होंगे। अगर इसका उल्टा हमने करने की कोशिश करी, लेट्स सी, जैसे मैंने इस एक्सेप्शन वाले ब्लॉक को पहले बना दिया और अर्थमेटिक एक्सेप्शन और एरर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन को बाद में ले गया, इट विल जनरेट कंपाइलेशन एरर। ये कंपाइलेशन एरर है, यू कैन नॉट डू दिस वे। लेट्स सी, आ गया, अर्थमेटिक एक्सेप्शन हैज ऑलरेडी बीन कॉट, एरर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन हैज ऑलरेडी बीन कॉट, क्योंकि एक्सेप्शन जो जनरलाइज क्लास है वो पहले इसको पकड़ लेगी, तो आगे कभी कोड जाएगा ही नहीं। इस वजह से अगर आप एक्सेप्शन वाला ब्लॉक यूज कर रहे हो, तो उसे किसी भी स्पेसिफिक एक्सेप्शन वाले से पहले आपको इस्तेमाल करना होगा। सो गाइज, ये था हमारे पास में मल्टीपल कैच का कॉन्सेप्ट। होप सो कि आप लोगों को समझ आया होगा। कोई भी डाउट रह जाता है, इस वीडियो पर कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट को दूर करूंगा। गाइज, अगर मेरे वीडियोज आपको अच्छे लग रहे हैं, तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ, जूनियर के साथ मेरे चैनल को शेयर करें, ताकि वो भी प्रोग्रामिंग को अच्छे से सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे, हैव फन एंड एंजॉय।